अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर सीखना है जिसमें हम लोगों ने ब्लड ग्रुप सिस्टम से मतलब सीखना है। इससे पहले आप लोग ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल और ब्लड से मतलब डिसऑर्डर को सीख चुके हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम आर क्लासीफाई ऑन द बेस ऑन किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस, किसकी एंटीजन की यानी एंटीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। किस पर? रेड ब्लड सेल पर, RBCs पर। कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीजन नहीं है उस बिना पर ब्लड ग्रुप सिस्टम बनते हैं। एंटीजन क्या चीज़ है? एंटीजन एक प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है जो स्टिमुलेट करता है हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स यानी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलेट करता है, उस हमारे पास मॉलिक्यूल को कहा जाता है आपके पास क्या है, एंटीजन है। कहा जाता है कि ISBT के मुताबिक, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मुताबिक ह्यूमन के अंदर 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन जो बेसिकली हमारे पास हैं वो कितने हैं, वो चार ही हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टेनर जो ऑस्ट्रियन था उसने सबसे पहले ये सिस्टम डिस्कवर किया था, कब, 1900 में, और इसको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इस वर्क की बिना पर। इसके मुताबिक था क्या, इन दिस सिस्टम देयर आर 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप विच आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, यानी कितने ब्लड ग्रुप हैं इसके मुताबिक, 4, जो एक दूसरे से अलहता है। द बेस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजिन A and B प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजिन की बिना पर। वो कहता है जी अगर कोई हमारे पास क्या जी पर्सन कंटेन या हैविंग ब्लड एंटीजन ए तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी होगी उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर दोनों एंटीजन होगी तो ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। आफ्टर बर्थ पैदा होने के बाद 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। तो याद रखिएगा इन ए ब्लड सीरम ऑफ इंडिविजुअल पाई जाती हैं जब आफ्टर बर्थ होती है। दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द एब्सेंस ऑफ किसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीजन, यानी एंटीजन अगर ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, और अगर एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए होगी। ये हमारे पास है यानी इन प्रेजेंस ऑफ एंटी हमारे पास ए इज एबसेंट तो बी उसमें प्रेजेंट होगी। इस तरह से हमारे पास क्या है कि एंटीबॉडीज हर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी उसमें मौजूद होती है। ये आपके पास है डायग्राम जिसमें इन्होंने सिखाया कि इस तरीके से हमारे पास क्या है एक ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं। तो गौर से देखेंगे इसमें ये एक्सपोज करेंगे रेड ब्लड सेल, उसके बाहर ये एंटी जो हमारे पास जीन ए दिखाई गई है, एंटीजन ए की शेप ये है, एंटीबॉडी जो सीरम में होती है वो बी ये वाली है। अब एंटीजन बी को ब्लू कलर में दिखाया गया लेकिन RBCs के अगेंस्ट है तो हम कहते हैं हमारे पास उसके अगेंस्ट क्या एंटी ए है। ब्लड ग्रुप ए भी दोनों तरह के एंटीजन ए बी के पास हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ए भी है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी की बिना पर क्या है ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाया गया। फिर हम कहते हैं जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से होती है, यानी ब्लड की जो हमारे पास है मुंतकिली एक से दूसरी बॉडी के अंदर। सबसे पहले याद रखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं सीखते हैं वो हमारे पास क्या है, वो बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है उसको सीखना है आपने। तो हमारे पास जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेस करते हैं उनके ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी पर। हम लोग क्या चेक करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लड, ब्लड को या ब्लड बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होती हैं उनको एक बंदे के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से दूसरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लेकर जाना। अब ये एक तरह का लाइफ सेविंग प्रोसेस है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी इंजरी के दौरान, जब ब्लड लॉस हो जाए सर्जरी के दौरान, जब हमारे पास क्या हो जाए कोई सर्जरी वगैरह डन करें उस दौरान हमारे पास ब्लड लॉस हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है ब्लड देकर हम लोग क्या करते हैं उसको क्या करते हैं मेंटेन कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत से पीपल जो एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और इन हमारे पास डिजीज़ के होते हैं तो वो भी अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को करते हैं। तो याद रखिएगा इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारी बीमारियां भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज जैसा कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी सी हो गई, ये सारे के सारे जब हम लोग अफेक्टेड ब्लड को डोनेट कर देते हैं किसी बॉडी में तब जाके हमारे पास ये होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द डन आफ्टर का हमारे पास कंफर्मिंग करना कि इनमें एग्लूटिनेशन तो नहीं होगा,
यानी अगर हमारे पास एंटीजन ए वाला ब्लड है तो आगे भी एंटीजन ए हो, एंटीबॉडी बी के हिसाब से है तो आगे भी एंटीजन बॉडी वो, ये हम कहते हैं ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को, ये तो कंपेटेबिलिटी है। लेकिन याद रखिएगा ए वाला जो है वो ए बी को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, यानी हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है एंटीजिन जो होगी हमारे पास वो इस आरबीसीज के ऊपर होगी। अगर हम लोग रिवर्सल या कॉरेस्पॉन्डेंस उलट जो हमारे पास क्या है हम लोग कह सकते हैं हमारे पास एंटीजिन के अगेंस्ट उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगी। एग्लूटिनेशन के बाद क्या होगा, क्लंपिंग ऑफ सेल हो जाएगी, और क्लंपिंग ऑफ सेल की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो कैपिलरी से गुजर नहीं पड़ेगा, और जिस वजह से क्या होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्या पैरालिसिस या और तरह के डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा दो तरह के ब्लड ग्रुप हैं जो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसिपिएंट के तौर पर हम लोग लेते हैं, उनमें दो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक आपके पास यूनिवर्सल डोनर के तौर पर, दूसरा यूनिवर्सल रिसिपिएंट के तौर पर है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप ओ जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, ये ब्लड का चार्ट है, ये रिसिपिएंट का चार्ट है, यानी ए ब्लड ले सकता है हमारे पास ए से और ओ से, बी जो है वो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, यहाँ ए बी जो है वो सब से ले सकता है, देखें सब पे टिक लगा हुआ। देने की बारी में देखते हैं तो देने में ओ तो सबको दे सकता है, ए बी जस्ट ए बी को दे सकता है, बी जो है वो ए बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। आगे हमारे पास ये 1900 में आपको बताया था कि मैंने कार्ल एंड स्टेनर ने डिस्कवरी की थी किसकी ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जिसमें ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम निकाले थे। उसके बाद जो है कार्ल एंड स्टेनर ने 1930 में एक और इंपॉर्टेंट काम किया था, वो क्या कि उसने आर एच फैक्टर की प्रेजेंसी भी डिस्कवर की थी, कि हम जो कहते हैं ना ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव होना मतलब उसमें आर एच फैक्टर का होना होता है, तो आर बी सीज की सरफेस के ऊपर अगर वो फैक्टर मौजूद है तो हम कहते हैं हमारे पास आर एच फैक्टर है। तो हमारे पास आर एच का मतलब चूँकि रखा गया था रेसेसिव मंकीज के, क्योंकि सबसे पहले जो है वो बंदरों में जो हमारे पास रशियन मंकीज थे उनके अंदर ये हमारे पास डिस्कवर हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या जी रेसेसिव मंकी के अंदर जो है हमारे पास डिस्कवर हुआ था, जिन्होंने आर एच फैक्टर का नाम रख दिया। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास जिस बंदे के पास ये आर एच फैक्टर मौजूद होता है उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास क्या जी वो पॉजिटिव है, जिसमें ये नहीं होता वो नेगेटिव है। तो ऑन बिहाफ ऑफ आर एच फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। अब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन ऑन द बिहाफ हमारे पास क्या ब्लड ग्रुप सिस्टम आर एच फैक्टर के हिसाब से है। याद रखिएगा तमाम पॉजिटिव पॉजिटिव को ब्लड देते हैं और तमाम नेगेटिव वाले नेगेटिव, लेकिन याद रखना चार्ट यही वाला चलता है। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है जब हमारे पास क्या होता है नेगेटिव आर एच फैक्टर वाले भी अपने आप को क्या कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव आर एच पॉजिटिव ब्लड ही आर शी विल बी प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच फैक्टर। आर एच नेगेटिव ब्लड कैन बी, ये मैंने बताया आर एच नेगेटिव ब्लड कैन बी ट्रांसफर टू द आर एच पॉजिटिव रिसिपियंट, क्यों इफ़ ओनली इफ, कब जब डोनर ब्लड जो हमारे पास है आर एच नेगेटिव हैज नेवर एक्सपोज टू आर एच एंटीजन, उस वक्त तक पढ़ सकते हैं एंड डज नॉट कंटेनिंग एंटी आर एच एंटीबॉडी, और किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी उसमें नहीं होती है, तब हमारे पास क्या है चांसेस होते हैं कि आप ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेगेटिव वाला जो आर एच है वो अपने आप को कहता है ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है, ये हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास क्या हार्ट से मुतालिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।